हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। करिश्मा कहने को तो हिंदुस्तानी थी, लेकिन उसे पाकिस्तानी सीरियल बहुत पसंद थी। वो उनकी फैन थी, लेकिन उसकी सास कविता को हिंदुस्तानी सीरियल पसंद थी, जिसके चलते दोनों सास बहू के बीच में किटकिट चलती रहती। जब भी दोनों सास बहू एक साथ टीवी देखने बैठती तो दोनों के बीच में महायुद्ध होने लगता। एक दिन सुबह के समय करिश्मा नाश्ते की प्लेट लिए हॉल में बैठी पाकिस्तानी सीरियल देख रही थी, तभी उसकी सास कविता वहाँ आती है। ला दे रिमोट, बहुत देर से देख रही है तू सीरियल, अब मेरा टाइम है टीवी देखने का, तेरा टाइम खत्म। माँ जी बस थोड़ी देर रुक जाइए, मेरे सीरियल का ये लास्ट एपिसोड चल रहा है, अभी खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में, उसके बाद आप पूरे दिन टीवी देख लेना, मैं आपको पूरे दिन परेशान नहीं करूँगी पक्का। नहीं, मेरे सीरियल का भी टाइम हो गया है, अब मैं तुझे रिमोट हाथ भी ना लगाने दूँ, टीवी देखना तो दूर की बात है, अभी तक तेरा नाश्ता खत्म नहीं हुआ है, इतनी देर से लेकर बैठी हुई है। आपसे मेरी खुशी नहीं देखी जाती ना माँ जी, आपको पता है कि मुझे पाकिस्तानी सीरियल कितना पसंद है, मैं पाकिस्तान सीरियल की फैन हूँ, उसके बाद भी आप उसी टाइम अपना सीरियल देखना होता है क्या, आप थोड़ी देर बाद नहीं देख सकती। बहू यही चीज मैं भी बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं तेरी सास हूँ, तू मेरी सास नहीं, और यहाँ वही होगा जो मैं बोलूँगी। अब जाकर मेरे लिए एक कप चाय बना कर ला और रसोई की सफाई कर। अपनी सास की बात सुनकर करिश्मा गुस्से में रसोई में चली जाती है और चाय चढ़ाकर अपने फोन में पाकिस्तानी सीरियल देखने लगती है। सीरियल देखते टाइम तो वो इतना खो जाती है कि उसे ध्यान ही नहीं रहता कि उसने चाय चढ़ाई है, और सारी चाय जल जाती है जिसकी बदबू पूरे घर में फैल जाती है, और कविता रसोई में आती है। सत्यानाश हो तेरे पाकिस्तानी सीरियल का, उसके आगे तुझे कुछ दिखाई ही नहीं देता है, ना जाने कौन सा अमृत मिलता है तुझे देखने में। माँ जी मारा क्यों, किया क्या है मैंने, आप ये मत भूलिए कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, बल्कि आपके घर की बहू हूँ, बहू, अब जब देखो छोटी बच्ची समझकर मुझे मारती ही रहती हैं। तेरी हरकतें छोटी बच्चियों वाली ही है, जरा गैस की तरफ नजर डाल, फोन से हटाकर पूरा घर बदबू कर रहा है चाय के जलने से, लेकिन तुझे दिखाई ही नहीं दे रहा कि बदबू आ रही है। माफ करिएगा माँ जी, मेरा ध्यान नहीं गया, मैं सीरियल देखने में खो गई थी, इतना मस्त एपिसोड आ रहा है सच, हाय मजा आ गया, मैं तो कहती हूँ आप भी देख लीजिए। पहले तू पूरे रसोई साफ कर और इस जले हुए बर्तन को अच्छे से चमका, तब कुछ और करियो, तब तक के लिए तेरा फोन मेरे पास रहेगा, वरना पता चले फिर किसी चीज में आग लगा दे तू। कविता इतना कहकर करिश्मा का फोन लेकर रसोई से चली जाती है, जिसके बाद करिश्मा जले हुए बर्तनों को घिसना शुरू करती है। बहुत मेहनत करने के बाद उससे वो बर्तन साफ नहीं होते, तब तक उसका पति रोहित भी वहाँ आ जाता है। क्या बात है, किसका गुस्सा इन मासूम बेजान बर्तनों पर निकाल रही हो, आज फिर सास बहू में कुछ हुआ है क्या। आपकी माँ का गुस्सा निकाल रही हूँ बर्तनों पर, क्या करूँ उन पर तो निकाल नहीं सकती ना। तमीज से बात करो, मेरी माँ है वो, खबरदार जो उनके खिलाफ तुमने कुछ भी बोला तो। अच्छा, और मुझे क्या भगा कर लाए हो आप, जो आपकी माँ मुझसे नौकरानियों की तरह काम करवाती है, उन्हें बहू नहीं नौकरानी चाहिए थी, जो उनके बेटे का और उनके घर का ख्याल रखे बस। यार मेरी माँ पागल तो है नहीं जो तुम्हें बेवजह परेशान करेगी, पक्का तुमने फिर अपना पाकिस्तानी सीरियल देखने के चलते कुछ गड़बड़ किया होगा। हाँ किया है, और उसी की सजा भुगत रही हूँ, आप चुपचाप जाइए यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब कीजिए। करिश्मा की बात सुनकर रोहित गुस्से में वहाँ से चला जाता है। समय बीतता है, लेकिन करिश्मा और उसकी सास के बीच हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी सीरियल के चलते होने वाली टकरार में कोई बदलाव नहीं था। एक दिन शाम के समय करिश्मा सब्जी वाले की आवाज सुनकर सब्जियां लेने के लिए घर से बाहर जाती है, जहाँ मोहल्ले की औरतें आपस में खड़ी बातें कर रही थी, तभी करिश्मा भी उनके पास जाती है। क्या बात है आंटी जी, आप लोग आपस में क्रिसमस ले पर गुफ्तगू कर रही हैं, जरा हमें भी बताइए। क्या बहू, ये तो कौन सी भाषा बोल रही है, हमें यहाँ मसाले खरीदने नहीं बल्कि सब्जी खरीदने आए हैं, अगर तुझे मसाले खरीदने हैं तो बनिए की दुकान पर ही चली जा, सामने ही है। अरे नहीं आंटी जान, मसाले नहीं कह रही मैं, मसले कह रही हूँ, यानी किस टॉपिक पर बात कर रही हैं जरा हमें भी तो फरमाइए। अच्छा, और ये गुफ्तगू क्या होता है, जो बोलना है हमसे सीधे सीधे हमारी भाषा में ही बात कर, पता नहीं कौन सी भाषा में बोल रही है,
आंटी जान, मैं उर्दू में बोल रही हूँ। मैं पाकिस्तानी सीरियल देखती हूँ ना, तो वही थोड़ा बहुत शब्द यूज कर रही हूँ। मैं पाकिस्तानी सीरियल की बहुत बड़ी फैन हूँ। लो हमें यहाँ हिंदुस्तानी सीरियल देखने का टाइम नहीं है, और एक ये बहू रानी है जो पाकिस्तानी सीरियल देख रही है। तेरी भाषा तू ही जाने। आंटी जान मैं तो कह रही हूँ आप लोग भी देखो पाकिस्तानी सीरियल, आप लोग हिंदुस्तानी सीरियल ही भूल जाएंगे और मेरी तरह आप भी फैन हो जाएंगे पाकिस्तानी सीरियल के। उसका सबसे अच्छा सीरियल है मुझे प्यार हुआ था, वो देखना एक बार, आप लोगों को ना मजा ही आ जाएगा। करिश्मा मोहल्ले वालों को पाकिस्तानी सीरियल के बारे में बता रही थी, तभी उसकी सास कविता वहाँ आती है। हाँ हाँ, खुद तो पाकिस्तानी सीरियल देख देख कर पागल हो गई है, अब मोहल्ले वालों को भी पागल कर दे। माँ जी घर में तो आप मेरी बेइज्जती ही करती रहती हैं, अब मोहल्ले में भी बेइज्जती करना शुरू कर देंगी क्या? हाँ तो इज्जत देने वाले तेरे काम ही नहीं है, पूरे दिन पाकिस्तानी सीरियल देखने के चक्कर में सब काम उल्टा सीधा करती रहती है। वो कम था तो अब उसके भाषा भी बोलने लगी। माँ जी सबकी अपनी पसंद होती है, आपने अभी देखा नहीं है उनका सीरियल, जब देख लेंगी ना तब पता चलेगा आपको कि मैं पाकिस्तानी सीरियल की फैन क्यों हूँ। करिश्मा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद मोहल्ले की सभी औरतें उसे पाकिस्तानी सीरियल देखने वाली बहू लाने का ताना मारने लगती हैं, जिसे सुनकर कविता चिढ़ जाती है और गुस्से में घर के अंदर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं, तभी एक दिन रात को रोहित ऑफिस से घर आता है, तभी करिश्मा रोहित के पास आती है। शौहर आज आप खाने में क्या खाएंगे बताइए, हम आपके लिए क्या बनाएं? शौहर ये क्या बोल रही हो तुम, मैं पति हूँ तुम्हारा, शौहर नहीं। पाकिस्तानी सीरियल देख देख कर तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है, माँ ने सुन लिया तो फिर तुम्हें कोई नई सजा देगी। मैं भी आपको अपना पति ही बता रही हूँ, पाकिस्तान में पति को शौहर कहते हैं, इसलिए मेरे मुँह से भी गलती से निकल गया। देखना मोहल्ले वालों के सामने ना निकल जाए, वरना लोग सोचेंगे कि मैं पाकिस्तानी लड़की से शादी करके आया हूँ, और अब इतनी बड़ी भी फैन मत बनो पाकिस्तानी सीरियल की कि उनकी तरह बोलना शुरू कर दो, क्योंकि हमें समझ में नहीं आने वाली तुम्हारी भाषा, तुम वही बोलो जो हमारी भाषा है। आप लोग तो कुछ नया सीखना ही नहीं चाहते, मैंने बेवजह ही बोल दिया आपको, आज सासू माँ ने नहीं सुनाया तो बेटे ने कसर पूरी कर दी। करिश्मा इतना कहकर मोबाइल में पाकिस्तानी सीरियल देखते हुए रसोई में जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ कविता बाहर से आ रही थी, तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े बिजली के तार पर जाती है, जिस पर करिश्मा अनजाने में पैर रखने वाली थी। तभी कविता भागकर उसके पास आती है और उसे पैर रखने से पहले ही खींचकर दूसरी तरफ धक्का दे देती है। बहू सीरियल देखने में इतनी भी अंधी मत हो जा कि तुझे अच्छा बुरा कुछ भी न दिखाई देता हो, अगर तेरा पैर इस तार पर पड़ जाता तो तू भगवान को प्यारी हो जाती। और तुझे कितने समय से बोल रही हूँ कि ये तार लूज हो गया है, इसे ठीक करवा दे, लेकिन तुझे घर के कोई काम करने ही नहीं होते। माँ ये काम तो आपकी बहू भी कर सकती है, लेकिन उसे अपना पाकिस्तानी सीरियल देखने से फुर्सत मिले तब करे ना कोई काम, उसे तो बस सीरियल देखना है, फिर चाहे टीवी पर हो या फोन पर। ये तेरा काम है उसका नहीं है, कुछ जिम्मेदारियां घर की तरफ भी होती है, सिर्फ ऑफिस में जाकर कुर्सियां तोड़ने से कुछ नहीं होता। अभी बहू का पैर पड़ जाता उसमें तो बिना बात के अनहोनी हो जाती, कल पहले इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर इसे ठीक करवाएगा तब ऑफिस जाएगा तू। अपनी सास को अपनी इतनी फिक्र करते देखकर करिश्मा की सारी गलतफहमी दूर हो जाती है कि उसकी सास उसे पसंद नहीं करती, और उसे अपनी सास के साथ किए गए बर्ताव पर बहुत अफसोस होता है, जिसके बाद वो अपनी सास से अपनी गलती की माफी मांगती है और अपनी पाकिस्तानी सीरियल देखने के साथ साथ हिंदुस्तानी सीरियल देखना भी शुरू कर देती है, जिससे दोनों सास बहू में होने वाली नोकझोंक काफी हद तक कम हो जाती है। सीता और गीता दोनों जुड़वा बहनें थी, जिनमें सीता बहुत ही नटखट और शरारती थी, लेकिन उसी के मुकाबले गीता बहुत ही शांत स्वभाव की थी। एक दिन दोनों की माँ शांति दोनों बेटियों को बुलाकर कहती है, अरे सुनो तुम दोनों के लिए एक बहुत ही अच्छे घर का रिश्ता आया है। माँ दोनों लड़के भाई ही है क्या? हाँ वो दोनों लड़के भी तुम दोनों की तरह जुड़वा ही हैं, और दोनों ही बहुत अच्छे और संस्कारी हैं। मैंने तो रिश्ते के लिए बोल दिया है कि बात आगे बढ़ाओ, और उनकी तरफ से जवाब भी आया है कि कल वो लोग देखने के लिए आएंगे तुम दोनों को। ऐसे थोड़ी होता है माँ, कल ही देखने आएंगे वो लोग, मैं अभी तैयार भी नहीं हूँ। तो क्या हुआ, कल देखने आएंगे आज नहीं? तो तेरे पास अभी बहुत टाइम है, आराम से तैयार हो जाइयो। अरे मेरी भोली बहन, मुझे तैयार होने से मेरा मतलब है कि पार्लर जाकर फेशियल करवाना है।
हाँ तो अभी भी तो टाइम है, जाके करवा ले, मना किसने किया है। हाँ अब जल्दबाजी में ही होगा ये सब, इससे अच्छा आप पहले बता देती तो मैं भी आराम से करवाती सब। इतना बोलकर सीता पार्लर चली जाती है और अपना मेकओवर कराती है और गीता मेहमानों की तैयारियों में लग जाती है। दोनों अपनी अपनी तैयारियां कर लेती हैं। अगले दिन लड़के वाले विनोद और मनोज अपनी माँ माला के साथ शांति के घर आते हैं और माला कहती है, बहन जी हमने तो बहुत तारीफ सुनी है आपकी बेटियों के बारे में, आज देखना भी हो जाएगा। अरे बस वो मेरी बेटियां हैं ही इतनी समझदार, कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देती हैं, और आप भी मिलोगे तो मुझे पूरा यकीन है आपको बहुत पसंद आएंगी। अब पसंद आने के लिए मिलना तो जरूरी है, बुलाओ तो सही। जी बिल्कुल, आप यहीं रुकिए, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। इतना बोलकर शांति अपनी दोनों बेटियों को बुला कर लाती है और बोलती है, मिलिए ये हैं मेरी बेटियाँ सीता और गीता, बहुत ही संस्कारी और समझदार हैं दोनों। देखने में तो दोनों बहुत ही सुंदर हैं और कमाल की बात तो ये है कि मुझे मेरे जुड़वा बेटों के लिए बहुएं भी जुड़वा मिली हैं। तो तुम दोनों बताओ कैसी लगी तुम्हें? माँ आपको जैसा ठीक लगे, आपकी पसंद में ही हमारी पसंद है। जी आपके बेटे भी कितने समझदार हैं, मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे, दोनों पहचान में ही नहीं आते कौन विनोद है और कौन मनोज है। हाँ तो अब आपके ही हैं और आपकी दोनों बेटियाँ मेरी हो गई। अब बहन जी जल्दी से शादी की तारीख फिक्स करो। जी बिल्कुल, चलिए पंडित जी से अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लेते हैं और फिर शादी भी हो जाएगी उसी मुहूर्त में। जी बिल्कुल। इतना बोलकर दोनों शादी के मुहूर्त निकलवाने के लिए पंडित के पास चले जाते हैं और कुछ दिनों बाद का ही मुहूर्त निकलता है। दोनों घर आकर बात कर ही रहे थे कि मनोज बीच में कहता है, माँ आपने शादी तय तो कर दी है लेकिन ये बता दो कि किस लड़की से किस लड़के की शादी है, क्योंकि हम दोनों भी जुड़वा हैं और अब हम दोनों की होने वाली पत्नियां भी जुड़वा ही हैं। अरे हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मुझे तो विनोद के लिए सीता और मनोज के लिए गीता बहुत पसंद है, बाकी अब आगे तुम खुद ही बात कर सकते हो, इतने तो समझदार हो ही गए हो। दोनों बच्चे माला की बात मान लेते हैं और देखते ही देखते कुछ दिनों बाद चारों की शादी का शुभ मुहूर्त आता है और दोनों जुड़वा बहनों की शादी जुड़वा भाइयों से हो जाती है। शादी के बाद माला अपनी दोनों बहुओं का स्वागत करके अपनी बहुओं को घर में लाती है और उसके बाद दोनों गलती से एक दूसरे के कमरे में चली जाती है और थोड़ी देर में कमरे में विनोद और मनोज भी जाते हैं। विनोद अपने कमरे में जाकर बोलता है, अरे गीता अब क्यों घूंघट लगा रखा है, अब तो हटा लो, तुम्हारा ही पति हूँ मैं, मुझसे क्या शर्म। अरे लगता है गलती से मैं गीता के कमरे में आ गई हूँ, चलो कोई बात नहीं, आ गई हूँ तो पूरे मजे भी दूंगी, चलो अपने जीजा जी की जरा जेब हल्की करवाती हूँ। कहाँ खो गई, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम किस सोच में पड़ गई। नहीं मैं तो ये बोल रही थी कि आपने मुझे शादी के बाद तोहफा नहीं दिया तो मेरा तोहफा दो। शादी के बाद की पहली रात ही तो है, कल जाकर तोहफा भी ले आएंगे, अभी तो पास आओ। ऐसे कैसे, पहले मुझे कोई तोहफा दो फिर आगे की सोचना। अच्छा बताओ तुम्हें क्या चाहिए, अभी हो सकेगा तो मिल सकता है। आप मुझे अपना डेबिट कार्ड दे दो और उसका पिन भी बता दो, मैं खुद ही ले लूँगी जो भी लेना होगा। अच्छा ठीक है ये लो। विनोद अपना डेबिट कार्ड और पिन सीता को दे देता है और जैसे ही उसके पास जाता है तभी कमरे में मनोज और गीता आते हैं और गीता कहती है, सीता तू अपने जीजा जी के कमरे में आ गई और तुझे पता भी नहीं चला। और विनोद तुझे भी नहीं पता चला क्या, ये तेरी भाभी है क्या? भाभी सॉरी मुझे पता नहीं चला था, और हाँ कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मुझे पता चल गया था तो मैंने सोचा क्यों ना अपने जीजा जी से थोड़ी मस्ती की जाए, इसलिए चुप हो गई और मस्ती करने लगी। भाभी जी थोड़ा संभाल कर, आप दोनों भी जुड़वा हो और हम दोनों भाई भी जुड़वा हैं, मस्ती के चक्कर में लेने के देने ना पड़ जाएं। बातें हो गई हो तो बहुत रात हो गई है, चले अपने कमरे में सीता। हाँ चलो चलो। भाभी जी मेरा डेबिट कार्ड तो दे दो। वो तो भूल जाओ आप, ये सोच लेना कि जूते चुराई की रस्म में अपनी साली को दे दिया। लो लग गया पहले ही चूना, अब आगे संभाल कर रहूंगा। इतना बोलकर सब अपनी ठीक जगह चले जाते हैं और दोनों अपनी सुहाग रात मनाते हैं। अगली सुबह विनोद और मनोज ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं और दोनों बहनें किचन में खाना बना रही होती है तभी किचन में माला आकर कहती है, अरे अब तुम दोनों में से सीता कौन है और गीता कौन, छोड़ो मुझे क्या, बहू खाना बन गया तो ले आओ, दोनों को ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। माँ जी ये देखो जो ज्यादा बोलती है वो है सीता मतलब मैं, और जो कम बोलती है वो है गीता
अब समझ गई या और अच्छे से समझाऊं? हे भगवान, अब जाकर तो मैं देखकर बता पाई हूँ कि विनोद कौन है और मनोज कौन। अब वापस अपनी बहुओं को पहचानना शुरू करूं, मेरा तो सर ही घूम जाएगा। कोई बात नहीं, मैं आपका सर दबा दूंगी माँ जी, मैं किस लिए हूँ। माला किचन से चली जाती है और थोड़ी देर में दोनों बहनें खाना लगा देती हैं, जिसके कुछ देर बाद सीता फिर से विनोद से गीता बनकर कहती है, विनोद थोड़े पैसे दे दो ना, साड़ी लेनी है मुझे। सारे पैसे तो आपकी बहन और मेरी भाभी जी ने ले लिए, अब आपके लिए कहाँ से लाऊं मैं। हाँ, अपनी साली को देने के लिए पैसे हैं और मैंने मांग लिए तो बस मुंह बना लो, जाओ मैं बात नहीं कर रही आपसे। अरे मुंह मत बनाओ, ये लो पैसे, आप तो खुश ना। फिर बन गए ना आप बुद्धू। आप भी ना, ये सीता है और मैं हूँ आपकी बीवी गीता। क्या भाभी, आप भी ना, सुबह सुबह मैं ही मिला था क्या आपको? अच्छा खासा मूड खराब कर दिया। क्या विनोद, तू भी पागल बन जाता है और अब मुंह बना रहा है। चल अब खाना खा ले, मुंह मत बना। अब तो यही लगा रहेगा घर में, पहले दो जुड़वा भाई थे लेकिन अब दो बहनें भी जुड़वा आ गई। बस पहचानते रहो कौन सीता है और कौन गीता है। माँ जी, आपको तो बता ही दिया है मैंने कि आप हमें कैसे पहचान सकती हैं, लेकिन आप ये सबको मत बता देना वरना मैं अपने जीजा जी से मजे नहीं ले पाऊंगी। क्यों विनोद जी, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ भाभी, आप अभी कुछ मत बताओ, मैं भी थोड़े मजे ले लूं, तभी तो भाभी को भी अपने देवर के बारे में पता चलेगा। अब तुम यहाँ भी शुरू हो गए, कभी तो छोड़ दिया करो किसी को। अरे नहीं भाभी, इन दोनों की वजह से तो घर में रौनक बनी रहती है, हम भी देखते हैं कब तक चलता है इन दोनों का। इसी तरह दोनों के घर में कभी किसी बात को तो कभी किसी बात को लेकर एक दूसरे को पागल बनाने की आदत थी और इस तरह जुड़वा जोड़ियों की नोक झोंक चलती रहती है और घर में भी रौनक बनी रहती है और सब जुड़वा लोग एक साथ खुशी से रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।